एग्जाम फिजिकल मोड में ही होगा, नंबर एक। नंबर दो, आंसर शीट लिखने के लिए हम आधा घंटा एडिशनल देंगे। हम हेड्स को रिक्वेस्ट करेंगे एक चॉइस एक्स्ट्रा डाल दें क्वेश्चन पेपर में। जो बच्चा इस बार का एग्ज़ाम नहीं लिख पाएगा उसको हम सेकंड फेज में जुलाई में जब एग्ज़ाम करेंगे सेमेस्टर टू का, उसके साथ हम एग्ज़ाम करा देंगे उसका। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को डिसएडवांटेज पोजीशन में ना लाएं। प्रैक्टिकल की जैसा बच्चे ने बोला, आइए क्या कहते हैं आपका अटेंडेंस फोर को ऑलरेडी किया है। मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी हेड्स एंड प्रिंसिपल की ऑनलाइन मीटिंग करूं। उसमें ये जो हम आपको कमिट कर रहे हैं ये मैं उनको भी बताऊं, उनको भी लिख के दूं, ये है इसको ऐसे ही होना। जो प्रैक्टिकल आपने ऑनलाइन मोड में किया है उसी मोड में उसका एग्जाम करेंगे बच्चे। ओके, स्टडी मटेरियल निजी बच्चों को दें, सिलेबस को वेबसाइट में डाल दें, ये सब चीज़ें करवा दें। सर एक बात और कि 70% सिलेबस ऑनलाइन अगर हुआ है और सर एग्जाम्स में इतना कम टाइम है, और सर अगर कुछ बच्चों की सर आदत भी लिखने की थोड़ा इधर उधर हुई है, अगर सर बैक आ जाती है किसी की, तो सर वो क्या जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं? तो सर ऐसा कुछ नहीं है सर, नोटिफिकेशन कितनी देर में आ जाएगा? कितनी देर में मिलेगा? आपको भेज दूंगा। एनएसयूआई जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद।